अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं 2-in-1 आइसक्रीम। बहुत ही मज़े की बनेगी। ओरियो आइसक्रीम है जो कि बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं, और गर्मियों का सीज़न हो तो बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी तो ले लिया है हमने 2 कप दूध। जी ये 2 कप दूध हो गया हमारा, और मेरे पास यहाँ पे शुगर है, ये 1.5 कप शुगर है, यानी कि 1 कप पूरा और 1 कप आधा। जी व्यूज़, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बॉयल आ गया है, और इसको हम मुसलसल हिलाते जाएंगे। जी माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा कंडेंस मिल्क जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, और बड़े बड़े से बॉयल्स आ गए हैं इसके अंदर, बबल्स। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर जो है अपना चूल्हा ऑफ कर देंगे। जी यहाँ पर है मेरे पास जी ग्राइंडर, और मेरे पास 400 ग्राम यानी कि 2 कप के बराबर है क्रीम है, और यहाँ पर मेरे पास है जी मिल्क पाउडर। जी ये 1 प्याली के करीब मिल्क पाउडर है। जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी क्रीम। जी मिल्क पाउडर हम ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी बनने जा रही है, तो आप लाजमी घर में बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जो रेसिपी है वो कैसी लग रही है। जी जी वनीला एसेंस है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। जी कंडेंस मिल्क हो चुका है हमारा रेडी, और आप देखिए कितना क्रीमी, कितना यमी लग रहा है, और इसको हमने कूल डाउन होने देना है, गरम गरम ऐड नहीं करना। और हमने जो हमारे पास क्रीम है वो हमने ठंडी लेनी है, तो अब हम इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हम चला देंगे अपना ग्राइंडर, और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करेंगे। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद डिब्बों में कंटेनर्स में डाल दिया है, और अब हम एक कंटेनर के अंदर फूड कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पिंक कलर है। जी माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, और ये 2-in-1 जो हम आइसक्रीम बना रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी में है, और इसको हम डालेंगे इसके अंदर ये कुकीज़। जी ये ओरियो कुकीज़ है, इसके हमने पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे से, और अगर आपके पास बेलन है तो आप रोलिंग पैन की मदद से इसको बारीक कर लें, तो बड़े मज़े के लगेंगे ये। जब आइसक्रीम रेडी होगी तो इसके चंक्स बहुत ही अच्छे लगेंगे, और बच्चे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ओरियो बिस्किट वाली जो होती है आइसक्रीम। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। जी इस आइसक्रीम के अमेज़े के अंदर हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। जी इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इसको। जी इसको हम कवर करेंगे और इसको जमने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। जी 8 से 10 घंटे के बाद जो है इसको हमने फ्रीज किया था, और देखें इसकी लुक कैसी सी है। जी माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी जो है ये फ्रीज़ हुई है, और इसको भी हम खोलेंगे। जी बिल्कुल बाज़ार जैसी है, देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी है जमी हुई। ये भी देखें कितनी जमी और कितनी क्रीमी है बनी, ओरियो की बनी है आइसक्रीम, तो इसको भी हम इसी तरह से डालेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी और यमी लग रही है। जी देखिए 2-in-1 हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और यमी सी रेडी हो गई है, और हम इसको इक्वल करेंगे जैसे आप बाज़ार से लेते हैं ओरियो की आइसक्रीम, और वो भी इक्वल होती है, इसको भी हम इसी तरह से इक्वल कर देंगे। जी माशाल्लाह से हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी, आप देखें कितनी यमी लग रही है। तो घर की भलाई से हमने ये आइसक्रीम रेडी की है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़े की है।
तो आप भी बनाएं घर पे, घर की भलाई से ये आइसक्रीम बनाई है, बहुत ही मज़े की है। 2-in-1 है, बहुत ही मज़े की, बच्चे बहुत ही लाइक करेंगे इसको।